हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइडियाज। मेरा नाम है अदिति और यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग एंड ऑफ सिक्वर को करने वाले हैं कवर। तो एज यू ऑल नो कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की सीरीज लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं जो कि यहाँ पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बाकी सारे लेक्चर्स को आप सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर एंड ऑफ सिक्वर को करेंगे कवर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ठीक है, कि किस तरीके से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने सिंध पर कब्जा किया था। और अब बारी थी सिख एम्पायर की, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सिख एम्पायर के एक जो बेसिकली एक जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानेंगे और फिर ये देखेंगे कि इनकी आपस में लड़ाई किस प्रकार से होती है और कैसे यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपकी जो सिख एम्पायर है उसकी जो टेरिटरी है उसको भी अपने अधीन कर लेती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चलिए, और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर पूछा करें, ठीक है। व्हाटएवर डाउट्स यू हैव डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिख एम्पायर। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो यहाँ पर इनके गुरु रहे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, ओके, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1708 में। 1708 में इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिनका नाम आपको सुनने को मिलेगा, वो है बंदा बहादुर। ठीक है जी, अब बंदा बहादुर जो है वो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के बाद इस पूरी कम्युनिटी की जो कमान है उसको संभालते हैं। बंदा बहादुर यहाँ पर इस कमान को संभालते हैं और उनकी जो अत्यधिक जो लड़ाइयां हैं वो होती है मुगल्स के साथ। मुगल्स के अगेंस्ट इनकी काफी सारी लड़ाइयां रहती हैं, जिसमें क्या होता है कि मुगल आर्मी एक दिन इनको पकड़ लेती है और 1716 में आर्मी इनको पकड़ के बंदी बना के इनको एग्जीक्यूट कर देती है, इनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। और राइट, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 1716 से लेकर 1799 तक के लिए का एक कहानी है जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर बन जाती है 12 मिसल। कितनी मिसल बनती है? 12 मिसल। देखिए, अभी पूरा एक पर्टिकुलर जो टेरिटरी है वहां पर 12 मिसल यानी कि 12 डायनेस्टी रूल कर रही थी। ये आपस में अलग अलग घर जो होते हैं ना, जैसे आपस में अलग अलग बट जाते हैं कि तुम ये हिस्सा संभालोगे, तुम वो हिस्सा संभालोगे, तो इस तरीके से 12 क्षेत्र जो है, 12 डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर बट जाती है। और इनकी लड़ाई जो है वो रहती है अफगान से और मुगल से, ठीक है। इनकी सीधी लड़ाई यहाँ पर किससे थी? अफगान और मुगल्स। क्योंकि अगर देखा जाए तो अफगान्स और मुगल्स की तरफ से इनकी लड़ाई इसीलिए थी क्योंकि अफगान्स जो है वो इनके नॉर्थ वाले क्षेत्र से यहाँ पर हमेशा इन्वेड करते रहते थे, ठीक है। तो एक तरीके से इनका इन्वेजन जो था वो यहाँ पर सिखों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज, मुगल्स जो थे, मुगल्स यहाँ पे कुछ कर तो पा नहीं रहे थे, है ना। वैसे ही उनका जो एम्पायर था वो यहाँ पर डगमगा रहा था आपके औरंगजेब के समय के बाद। चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग पावर में आ जाते हैं 1761 से। 1761 में आप देखोगे कि यहाँ पर इनकी जो पावर है वो दो गुनी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी दो गुनी? 1761 जो डेट है इसको याद रखना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आपके कमजोर हो जाती है कम्युनिटी, जिसे हम बोलते हैं मराठा कम्युनिटी। अब मराठा कम्युनिटी के कमजोर होने पर सिख जो है वो पावर में आ जाते हैं कि भैया जो सबसे, मतलब देखो मराठाओं का ना उस टाइम पे बहुत डर था, मराठा का नाम सुन के ही यहाँ पे लोग डरते थे। तो मराठा के कमजोर होने पर इन लोगों को भी मौज थी कि भैया चलो ये कमजोर हो गए तो हम लोग यहाँ पर पावर में आके चीजें कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, ओके। अब इन 12 मिसल में से एक मिसल थी जिसको हम बोलते हैं शुक्र चक्रिया मिसल, ठीक है। अब इस मिसल से बिलोंग करते थे व्यक्ति जिनका नाम है महाराजा रंजीत सिंह, जिनका नाम आप लोग एंड तक यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। तो इस मिसल में पैदा होते हैं आपके महाराजा रंजीत
रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का यहाँ पर जन्म होता है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या करते हैं, यहाँ पर इन 12 मिसल को यहाँ पर जोड़ देते हैं और जोड़कर बनाते हैं, फॉर्म करते हैं एक सिख एम्पायर। इस सिख एम्पायर का यहाँ पर गठन होता है। इतनी मतलब एक सोचो, एक टेरिटरी में 12 अलग 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 डायनेस्टी बटी हुई है, तो उन्होंने बोला कि सबको एक साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक और एक बन के 11 बन जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक साथ जुड़कर एक पावरफुल एम्पायर जो है उसे खड़ा करते हैं, जिसकी कैपिटल रहती है लाहौर, ठीक है, जो आपका प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि 1799 से लेकर 1849 तक यहाँ पर आपका फॉर्म रहता है सिख एम्पायर, ठीक है। शुरुआत कितने टाइम पर हो रही है, 1799 से यहाँ पर शुरुआत हो रही है और अंत होगा 1849 पे। तो अंत कैसे होगा ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके चलिए, अब सिख एम्पायर की जो पूरी टेरिटरी मतलब कितनी बड़ी है ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, तो ये आपको यहाँ पर पंचनाड वाला पूरा एरिया दिख रहा है। पंचनाड यानी कि पांच जो आपकी एक तरीके से नदियां हैं, पांच जो नदियां हैं आपकी, कौन कौन सी नदी है यहाँ पर, पांच नदियां आपको देखने को मिलती है जो कि पंजाब का जो हिस्सा है उसको पूरा कवर करती हैं। जलंधर, लाहौर, ये सब आपके किस में आते हैं, इस पंजाब वाले इलाके में आते हैं। तो देखिए, सिख एम्पायर आपका लाहौर से, सिख एम्पायर आपका लाहौर से फैला हुआ था लद्दाख तक, लाहौर से लद्दाख तक, और अफगान से सतलज नदी तक, ठीक है, अफगान से सतलज नदी तक। तो ये पर्टिकुलर बाउंड्री जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपकी सतलज नदी, ठीक है। तो यहाँ पर इनका इस तरफ से जाकर अगर देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ अफगान तक जा रहे हैं और नीचे की तरफ ये कहां तक है, सतलज नदी तक, इधर से लाहौर से लेकर आपके लद्दाख तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा एरिया जो था वो उन्होंने यहाँ पर अपने हिस्से में कर रखा था। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक नया डर जो था वो शुरू हो जाता है। क्या डर था ईस्ट इंडिया कंपनी को, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को था रशिया से डर। क्या डर था, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी जो कि हमने क्लास में कवर करी थी, ट्रीटी ऑफ टिल्सिट, उसके तहत यहाँ पर जो रशिया है वो भी एक्सपेंशन की सोच रहा था, वो भी यहाँ पर सोच रहा था कि उसको भी यहाँ पर पोर्ट्स मिल जाए जिससे कि वो यहाँ पर अपना काम कर सके। अब इनको डर क्या था कि रशिया वाले जो हैं वो यहाँ पर सिख वगैरह से, इनसे सिखों से बात करके या सिंध वाले लोगों से बात करके उनको अपनी तरफ ना खींच लें और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से खदेड़ के बाहर ना कर दिया जाए। तो इस डर की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि उस टाइम पर जो लॉर्ड मिंटो थे उन्होंने क्या किया था कि अपने कुछ डेलीगेट्स को जगह जगह भेजा था कि भाई जाओ और जाके इन लोगों से बात करो कि जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसा ये करें, ठीक है, हमारी बात सुने और सबको अपने अपने इन्फ्लुएंस में लो। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड मिंटो ने भेजा मेटकाल्फ को यहाँ पर भेज दिया महाराजा रंजीत सिंह से बात करने के लिए। तो मेटकाल्फ यहाँ पर रंजीत सिंह से बात करने के लिए आ जाते हैं, कब आते हैं, 1807 में ये यहाँ पर एंट्री लेते हैं और रंजीत सिंह के साथ एक डील साइन करते हैं। डील क्या थी, डील एक ही चीज थी कि भैया देखो मान लो कि रशिया जो है ना अगर हम पर अटैक करता है या अटैक की बात करता है तो आप यहाँ पर हमारा ही साथ देना, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही साथ देना, हम आपके सगे हैं वो आपके सगे नहीं है। चलिए, और भी इसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं। सबसे पहली चीज कि रशिया अगर करे लड़ाई तो हमारा साथ देना, ठीक है, तो फॉर्म अलायंस विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था कि मान लीजिए कि अगर देखो सिख एम्पायर की जो लड़ाई थी वो किससे थी, अफगान से, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं कि मान लो अगर आपकी अफगान के साथ होती है लड़ाई तो उस टाइम पर हम रहेंगे न्यूट्रल, हम उस टाइम पर कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी लड़ाई आप जानो अफगान जाने, उस टाइम पर हम न्यूट्रल रहेंगे, उस टाइम पर हम कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। तीसरी चीज, अब एक और चीज इन्होंने मान लिया था, इन्होंने बोला कि अब आप एक और चीज मान लो कि यहाँ पर जो सतलज नदी है वो यहाँ पर है बाउंड्री हमारे और आपके बीच में, यानी कि जो सतलज नदी है
ठीक है, उसका जो उत्तरी क्षेत्र है यानी कि जो नॉर्थ वाला क्षेत्र है वहां तक तो सिख एम्पायर है, और जैसे ही जो दक्षिणी क्षेत्र आ जाता है, जो निचला क्षेत्र आ जाता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी के जो छुटपुट जुटपुट आपके वो राज्य हैं उनका है। ओके, तो ये डील यहाँ पर होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर ट्रीटी होती है साइन 1809 में, 1809 में एक ट्रीटी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर फर्स्ट है, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर फर्स्ट है, दूसरी ट्रीटी बाद में होगी। ये जो ट्रीटी है ये थोड़ी डिफरेंट है, जो कि यहां पर स्टेट कर रही है कि जो सतलज नदी है वो यहां पर बन गई है बाउंड्री, ठीक है, और इस बाउंड्री के साउथ में सिख वाले नहीं आ सकते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी इनके नॉर्थ वाले इलाके में नहीं जा सकती है। ओके, तो ये आपस में इनके संधि हो गई थी। चलिए, पर अब क्या था, रणजीत सिंह के पास एक चीज थी ना कि वो साउथ में जाके यानी कि सतलज नदी को पार करके कोई भी यहां पर एक्सपेंशन नहीं कर सकते, कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर बाकी का जो एरिया है ईस्ट वेस्ट है ना नॉर्थ, इन जगह तो एक्सपेंड कर सकते हैं, वही चीज वो कर रहे थे। यहां पर 1819 में उन्होंने कश्मीर पर कर लिया कब्जा। किस पर कब्जा करा? कश्मीर के ऊपर। कश्मीर याद रखना कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था। अफगान रूलर थे शाह सूजा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में, शाह सूजा ये थे आपके अफगान रूलर। ये यहाँ अफगान से भागकर हिंदुस्तान आ गए थे और किससे मदद मांगी थी इन्होंने? सिख से और आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से। यहाँ पर इन्होंने मदद मांगी थी, उनसे बोला था कि मुझे यहाँ पर दे दो शरण, शरण दे दो कि उसके बदले कुछ भी ले लो। तो यहाँ पर आपके रणजीत सिंह क्या करते हैं कि वो यहाँ पर इनको शरण दे देते हैं और शरण के बदले इनसे एक चीज मांगते हैं रणजीत सिंह कि भाई देखो आपके पास ना हमारे देश की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, वो है कोहिनूर का हीरा, वो कोहिनूर का हीरा हमें यहाँ पर वापस कर दो। तो शाह सूजा से आपके रंजीत सिंह क्या ले लेते हैं? कोहिनूर, ठीक है, जो आज क्वीन विक्टोरिया के पास है। तो कोहिनूर डायमंड यहाँ पर इनसे ले लिया जाता है। ओके, चलिए अब इसके बाद आप देखोगे कि बाद में क्या होता है कि शाह सूजा जो है वो भाग के चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सपोर्ट के लिए। 1818 में रणजीत सिंह कैप्चर करते हैं मुल्तान को और पेशावर को। 1820 में देखा जाए तो पंजाब इस टाइम पर एक अलग ही एक्सटेंट पे पहुंच चुका था। इनकी आर्मी में बहुत सारे धर्म के लोग थे, इनके जो कोर्ट है उसमें भी बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग वर्क करते थे, क्योंकि सिख जो थे वो एक ही चीज पे बिलीव करते थे कि इंसान के पास टैलेंट भरपूर होना चाहिए, धर्म दौलत इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है जी। तो धर्म यहां पर क्या ही कर लेगा, अगर एक इंसान बहुत ही अच्छा वॉरियर है, बहुत ही अच्छा योद्धा है, बहुत मन लगा के काम कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर धर्म जो है वो तो बहुत छोटी चीज हो जाती है। ओके, चलिए अब रणजीत सिंह को एक और चीज तो पता ही थी कि भाई जिस तरीके से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ रही है, जिस तरीके से आसपास के लोग इतने ज्यादा तेज हो रहे हैं, तो रणजीत सिंह ने भी यहाँ पर क्या किया कि अपनी आर्मी को कराया मॉडर्नाइज, ठीक है, यूरोपियन जो यूरोपियन ऑफिसर्स होते थे उनकी मदद से यहाँ पर ये अपनी आर्मी को ट्रेन करवाते थे। वो भी जो ऑफिसर्स होते थे ना वो भी यहाँ पर नेपोलियन के साथ वर्क कर चुके होते थे, वो ऑफिसर्स होते थे जिनसे ये अपनी आर्मी को ट्रेन करवाते थे। चलिए अब रणजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल से एक बार मिलने की बात करी, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर इनको डर लग रहा था। किस चीज का डर लग रहा था? क्योंकि उसी टाइम पर अंग्रेजों का जो इन्फ्लुएंस था वो सिंध की तरफ बढ़ रहा था और सिंध आपके पंजाब के बिल्कुल नजदीक है। अब पंजाब को यह डर लग रहा था, यानी कि सिखों को यह डर लग रहा था कि किसी भी तरीके से अगर इन लोगों ने सिंध पर कब्जा कर लिया तो अगला नंबर हमारा ना हो। हर आदमी अपने बचने के लिए बहुत सारी चीजें सोचता है, तो ये चीज इन्होंने यहां पर सोची, ठीक है। अब यहां पर इनको पता था कि चारों तरफ से सिख एम्पायर जो है, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी घेरना चाहती है और ईस्ट इंडिया कंपनी ये चीज चाहती भी थी। वो चाहते थे कि चारों तरफ से सिख एम्पायर को घेर लें और उसके बाद इनको यहां से बाहर निकाल के हम अपना राज्यपाट यहां पर करें। तो इसी चीज पर यहां पर इन पे आपस में बात होती है और 1838 में इनके बीच में होती है एक डील, एक ट्रीटी 1838 में, ट्रापटाई ट्रीटी होती है,
ठीक है, 1838 में होती है ट्रीटी, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस ट्रीटी के तहत रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों यहाँ पर शाह शुजा को अफगान की गद्दी पर बैठाने की सोच रहे थे। देखिए मकसद यहाँ पर बहुत क्लियर था, कोई मदद नहीं करना चाहते थे शाह शुजा के, बस ये चाहते थे कि मान लो कल को अफगान के साथ अगर हमारी कोई भी लड़ाई होती है तो एक व्यक्ति हमारा उनके पास रहेगा जो कि हमें यहाँ पर सारे लूपहोल्स जो है वो बताएगा, ठीक है, फायदा अपना ही ढूंढते थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 1839 में जो सिख हैं वो काबुल पे कर देते हैं अटैक, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर, और इस टाइम पे अगर देखोगे आप तो रंजीत सिंह की भी डेथ हो जाती है। इसी टाइम पर रंजीत सिंह की भी हो जाती है डेथ, किस टाइम पर, 1839 में, 1839। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे राइवल जो हैं, जैसे ही रंजीत सिंह, देखो रंजीत सिंह बहुत ही बेहतरीन राजा थे, अब यहाँ पर रंजीत सिंह के मरने के बाद अब वो घर के लोग हैं जो आसपास के लोग हैं वही यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि कौन अगला राजा होगा, हमें होना चाहिए अगला राजा। तो रंजीत सिंह के बेटे थे खड़क सिंह, वो यहाँ पर राजा बनते हैं, पर बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनके बेटे हैं निहाल सिंह, वो यहाँ पर राजा बनते हैं। अब वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करते आ रहे थे तभी यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई, तो निहाल सिंह भी यहाँ से हट जाते हैं। अब क्या होता है, इनकी डेथ के बाद इनकी जो माँ थी चांद कौर, ठीक है, निहाल सिंह की जो माँ थी चांद कौर, मैं यहां लिख देता हूँ एक सेकेंड, चांद कौर, ठीक है, वो क्या करती है, वो बैठ जाती है यहाँ पर राजगद्दी पे, क्योंकि उनको भरोसा था कि यहाँ पर निहाल सिंह का एक बेटा होगा, क्योंकि निहाल सिंह की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको लगा कि निहाल सिंह का एक बेटा होगा, इसीलिए वो खुद यहाँ पर राजगद्दी पे बैठ जाती है। अब राजघराने में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेर सिंह, उसको ये सारी चीजें मंजूर नहीं थी, जैसे आपके मराठाज में रघुनाथ राव थे, ठीक है, उसी का रेफरेंस लेके आप शेर सिंह को समझना। तो शेर सिंह जो थे वो, उनको ये चीज मंजूर नहीं थी कि ऐसे कैसे चांद कौर यहाँ पे बैठ सकती है, ये नहीं बैठ सकती, ठीक है। इसने खूब लड़ाई यहाँ पर करी और उसके बाद ये खुद राजा बन गया, वो भी 4 साल के लिए, 4 साल के लिए राजा बना, कौन बना, शेर सिंह। चलिए इसके बाद क्या होता है, 1843 में, 1843 में शेर सिंह का मर्डर हो जाता है, और इस मर्डर के हिसाब से उनके बाद रंजीत सिंह के एक और बेटे थे जो राजगद्दी पे बैठेंगे, जिनका नाम है दलीप सिंह, राजा दलीप सिंह, ठीक है। अब ये इनके बेटे थे जो कि 5 वर्ष के थे, 5 साल के थे, बट क्या कर सकते थे, राज्य पे तो किसी को बैठाना ही है, तो ये यहाँ पर राज्य कुर्सी पे बैठ जाते हैं, 5 वर्ष के हैं ये। अब क्योंकि ये 5 साल के हैं तो इनकी समझ के हिसाब से सारी चीजें तो नहीं थी, ठीक है, तो इसी वजह से इनकी माँ जो थी रानी जिंदल, रानी जिंदल जो है वो यहाँ पर राजगद्दी पे बैठ जाती है, ठीक है, राजगद्दी पे बैठ जाती है और राज्य को संभालती है, ऑलराइट। और उसके बाद इनके जो वजीर होते हैं लाल सिंह, वो यहाँ पर आपकी रानी जिंदल के लवर भी होते हैं। अब ये परिवार में ही देख लो आप कि इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है, इंटरनल स्ट्रगल, आपस में लड़ाई चल रही है कि कौन बैठेगा राजगद्दी पे, कौन कितना योग्य है, कौन कितना योग्य नहीं है। तो ये लड़ाई जो थी वो यहाँ पर इनके बीच में हो जाती है शुरू, यानी कि अब सिख एम्पायर के बीच में इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है। इंटरनल स्ट्रगल अगर इनके बीच में चल रहा है तो फिर यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इनको मजा इस चीज में आता था, और यहीं से होगा आपका पहला एंग्लो सिख वॉर। सो द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब से कब तक होगा, ये यहां पर आपका 1845 से लेकर 46 तक होगा, ठीक है। अब यहां पर कॉज क्या रहती है, देखिए कॉज है कि सिख एम्पायर जो था वो वीक होता जा रहा था, आपके आखिरी बढ़िया रूलर सिर्फ रंजीत सिंह थे, उनके बाद तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्थिति खराब हो गई है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि सिख एम्पायर जो है वो दिन ब दिन वीक होता जा रहा है, इसका फायदा कौन उठाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध और ग्वालियर पर कर दिया था कब्जा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर सिखों को वैसे ही डर लग रहा था, सिख जो आर्मी है उनको बहुत डर लग रहा था कि अब क्या करें, कैसे भी ना करके हमें यहाँ पर स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो आपस में इनके बाउंड्री थी
ठीक है, वो यहाँ पर डिसाइडेड थी कि रिवर सतलज पार नहीं करेंगे सिख। ओके, तो यहाँ पर जो नदी सतलज है, आप लोगों को याद होगा कि उसका कौन से एरिया में, आपके नॉर्थ वाले एरिया में कौन है आपके सिख रहेंगे, साउथ वाले एरिया में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी के जो जगह है, बाकी के जो राजा है वो थे। ओके, अब जो आपस में इनके बाउंड्री डिसाइड होती है रिवर सतलज पर, उससे कार्मी ने क्रॉस कर दी होती है। अब से कार्मी जो है, क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से थोड़े से परेशान भी रहते हैं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये डिसाइड किया था लोगों ने संधि में, उसको ये यहाँ पर वायलेट कर देते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वजह मिल जाती है, बहाना मिल जाता है लड़ाई का, जो कि वो हमेशा से ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर चार मेजर बैटल्स होते हैं। लाल सिंह जो है सिख आर्मी को धोखा देकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, उनको सारी चीजें बता देते हैं, और वो भी फरवरी 1846 में वो ऐसा करते हैं। लाहौर जो है वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है किसी भी लड़ाई के बिना, क्योंकि अगर आपके घर में ही भेदी है तो आपको खुद नहीं पता कि आप कब हार जाओगे। परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो लाहौर में लाया गया। जलंधर दुआब जो है, यानी कि ब्यास नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। वॉर इंडेमनिटी में 1 करोड़ रुपए मिले थे, एक नहीं दो नहीं पूरे 1 करोड़ रुपए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, वॉर इंडेमनिटी के तौर पर मिले। ऑलराइट, अब इनके पास ये पैसे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर इनसे ले लिया, ठीक है। तो अब इनके पास पैसे, बेसिकली इनके पास पैसे जो थे ना वो थे नहीं। सिख एम्पायर के पास यहाँ पर 1 करोड़ रुपए जो थे वो थे नहीं देने के लिए, तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, चलो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हमें क्या दे दो, कश्मीर दे दो। तो इनसे कश्मीर जो है वो यहाँ पर ले लिया जाता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, एक और ट्रीटी होती है यहाँ पर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अच्छा, वो पहले वाली ट्रीटी अलग थी, अब ये यहाँ पर एक और ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये दूसरी है। अब इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या होता है, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है एक इनके बीच में, तो यहाँ पर दो ट्रीटी होंगी, इस चीज का याद रखना है। एक होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, कौन सी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है जिसमें परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो लाहौर में जाता है। जलंधर और दुआब वाला जो रीजन, जलंधर दुआब वाला जो रीजन, दुआब मतलब दो नदियों के बीच का जो लैंड होता है वो, ठीक है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था, और वॉर इंडेमनिटी के लिए इनको 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे जो कि नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि सिखों के पास इतने पैसे नहीं थे। अब क्या होता है, एक ट्रीटी और यहाँ पर साइन होगी जिसको बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और इस ट्रीटी के बिहाफ से यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी, इस ट्रीटी के बिहाफ से यहाँ पर ये क्या करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, कि जो आपके डोगरा राजा गुलाब सिंह है, डोगरा राजा गुलाब सिंह, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से कि देखो इनके पास तो 1 करोड़ रुपए है नहीं, तो आपने कश्मीर ले लिया, मैं आपको 75 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं आपको 75 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप कश्मीर मुझे दे दो, कश्मीर वाला जो पूरा एरिया है वह मुझे दे दो। तो यहाँ पर देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का फायदा ही हो रहा था, चलो 1 करोड़ मांगे थे, 75 तो मिल रहे हैं, चलिए। तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, डोगरा राजा गुलाब सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी 75 लाख में कश्मीर जो है वो दे देती है, ठीक है, चलिए। तो ये पहली लड़ाई यहाँ पर होती है अभी खत्म। दूसरी लड़ाई की यहाँ पर बारे में हम बात करेंगे, दूसरी लड़ाई यहाँ पर आपकी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, दोनों ही लड़ाई यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। चलो, तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में बात करेंगे। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है आपका 1848 से लेकर 49 तक। ओके, अब यहाँ पर क्या था कि आपस में ना डिसकंटेंट जो था वो बढ़ने लगा था, क्योंकि सिखों को ऐसा लग रहा था कि हमने ना कुछ गलत ट्रीटी यहाँ पर साइन कर ली, हमें नहीं करनी थी, ठीक है। अब ये चीज इनके मन में उजागर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मूलराज थे मुल्तान के गवर्नर, वो यहाँ पर बगावत जो थी वो शुरू कर देते हैं, और 2 ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को मार देते हैं। तो उन्होंने बगावत के तौर पर क्या किया, 2 ऑफिसर्स को यहाँ पर मार गिराया,
इस वजह से मुल्तान में जो था वो अपराइजिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है, लोग भड़क जाते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी आर्मी जो है वो यहाँ भेज देती है सिख एम्पायर के पास, सिख टेरिटरी में। जब यहाँ पर इनकी आर्मी आती है तो गेम जो था वो तो यहाँ पर बहुत ही ईजी रहता है, फिर आपस में होती है लड़ाई। ठीक है, और आपको पता ही है तीन बैटल यहाँ पर होंगी, तीन बैटल होंगी। सबसे पहली होगी बैटल ऑफ रामनगर, दूसरी चिल्हनवाला, ठीक है, तीसरी गुजरात। तो तीन बैटल यहां पर आपकी होंगी। सिख आर्मी जो है वो रावलपिंडी पर सरेंडर करती है। ठीक है, सिख आर्मी यहाँ पर बेसिकली आपकी हार जाती है, क्योंकि वैसे भी ये लोग बहुत कमजोर हो गए थे, और इस कमजोरी से उठना और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो धीरे 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 करके यहाँ पर लोगों के लिए नासूर बनती जा रही है, जो अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही है, टेरिटरी बढ़ा रही है, लोगों को बढ़ा रही है, वो यहाँ पर इतनी छोटी तो होगी नहीं और इतनी जल्दी हारने वाली भी नहीं होगी। तो सिख आर्मी रावलपिंडी पर सरेंडर करती है, अफगान अलाइज जो है ठीक है उनको बाहर फेंक देते हैं, और साथ ही साथ 1849 में पंजाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड में, ठीक है, सो पंजाब जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आता है पंजाब। अब और क्या चाहिए था उनको, पंजाब, सिंध, मराठास की टेरिटरी, सारी जगह, मैसूर वगैरह सब उनके हाथ में आ जाता है। फिर ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि तीन मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाते हैं। ठीक है, तीन मेंबर बना बैठाते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर है ये, ऑलराइट, जो कि यहाँ पर पंजाब को गवर्न करने के लिए है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि कोहिनूर जो है वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स द्वारा ले लिया जाता है 1853 में, यानी कि 1853 में ये जो बोर्ड मेंबर बनाए थे, तीन बोर्ड मेंबर बनाए थे, इनको डिसमिस कर दिया जाता है और पंजाब को बना दिया जाता है चीफ। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इनकी एक तरीके से एक प्रॉपर टेरिटरी यहाँ पर बन जाती है, चीफ कमिश्नर जो यहाँ पर आपकी टेरिटरी है वो ये आपकी बन जाती है, पंजाब का एरिया, ऑलराइट। चलिए, तो ये आपकी दो लड़ाइयां थी, दो वॉर थे जो कि हमने आज की क्लास में करें कवर, और आप लोग देख सकते हो कि किस प्रकार से बाहर से आई हुई कंपनी जो थी वो अपने हुक्म चला के अपने नियम कायदे सेट करके अपनी कंडीशंस पे हिंदुस्तान के अंदर अपनी इतनी बड़ी टेरिटरी जो है इस तरीके से अक्वायर कर लेती है और सब पर कर रहे हैं अब ये राज। ठीक है, अब ये सबको रूल कर रहे हैं एक तरीके से, अब इनके पास सब कुछ है, सब कुछ आ गया इनके पास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं उनको कवर करेंगे, जिसके हिसाब से 1857 का जो युद्ध होगा वो हमारे लिए समझने के लिए बहुत क्लियर रहेगा। ओके, चलिए, तो अगली क्लास में मिलते हैं जो कि अभी कल होगी। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। आई होप अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखना। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।